आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HT न्यूज। इंदौर के कृषि महाविद्यालय परिसर में 5 दिवसीय दूसरे ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 का शुभारंभ बुधवार को हुआ था, जहां मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों की ऑर्गेनिक खेती से संबंधित कंपनियों ने विभिन्न स्टॉल लगा रखे हैं। 5 दिवसीय इस जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन व जैविक उत्पाद मेले में आज चौथे दिन शनिवार को भी खेती किसानी के कई विशेषज्ञों ने शिरकत की और किसानों के बीच फसलों के अच्छे उत्पादन व गुणवत्ता के लिए जानकारी दी। आयोजक मनोज मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर योजना के अंतर्गत इस कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्पादन मेले में मध्य प्रदेश के कई जिलों के किसानों सहित राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व अनेक राज्यों के किसान और जैविक खाद्य बीज कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी भी लगाई गई है। वर्तमान में कोरोना महामारी के दौर में जैविक उत्पादों के उपयोग से शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने में जैविक शुद्ध उत्पाद काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। मेले में स्टॉल लगाने वाले नर्मदा इको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर दीपक पटेल ने बताया कि मेले में लोगों में जैविक उत्पादों के प्रति रुचि काफी बड़ी है। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक ग्रोसरी के साथ ही खाना पकाने के लिए मिट्टी के बर्तन भी आम लोगों के लिए उपलब्ध है, जिनमें कुकर, कढ़ाई के साथ ही मिट्टी से बना फ्रिज भी उपलब्ध है। मेले में सजीवन के नाम से स्टॉल लगाने वाले राजकोट, गुजरात के माधव जोशी ने इस मेले को जैविक उत्पादों के लिए ऑर्गेनिक कंपनियों, किसानों और आम जनता के बीच मील का पत्थर बताया। भारतीय किसान संघ, युवा उड़ान, आत्मा एवं कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से आयोजित ऑर्गेनिक एक्सपो 2021 जैविक उत्पाद करने वाली कंपनियों के साथ ही किसानों एवं आम नागरिकों के लिए भी काफी उपयोगी साबित हो रहा है। यही कारण है कि लगातार बड़ी संख्या में लोग यहां आ रहे हैं। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय कोषाध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पटेल ने बताया कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। रविवार को लॉकडाउन के कारण मेला सोमवार तक बढ़ा दिया गया है। मेले का समापन सोमवार शाम को होगा। ये एक बात तो मैं पहली बार ये बता दूं कि इस प्रकार का मेला पूरे भारतवर्ष में इस प्रकार का प्रयोग पहली बार हुआ है। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 30-40 साल पहले हमारी यही हम लोग खेती करते थे, परंपरागत खेती, और उसको याद दिलाने के लिए, उस जैविक खेती को दोबारा याद दिलाने के लिए ये आयोजन हमें करना पड़ा है। लेकिन 2020 का वर्ष पूरा मानव जाति ने अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में और अपनी हेल्थ कॉन्शियस के बारे में सोचा, और उस सोच के अनुसार हमने गत वर्ष भी ये सोचा कि मानव जो जाति है, मानव जो समाज है, वो प्रकृति से ले रहा है लेकिन प्रकृति को कुछ दे नहीं रहा है। जब हमारा देश 6 करोड़ जनसंख्या थी हमारे देश की, और उस समय 4.5 लाख पशुधन था, तो उस समय विश्व में भारत सोने की चिड़िया कहलाती है। लेकिन आज 130 करोड़ जनसंख्या है और पशुधन 4-5 करोड़ के लगभग है। इस विकट परिस्थिति में इस मेले का विशेष महत्व बढ़ जाता है। इस मेले में चूँकि COVID-19 का प्रभाव थोड़ा सा पड़ा, क्योंकि इस समय जो एक सरकार के भी निर्देशन और सरकार का भी जो COVID-19 के रूल्स रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ये मेले का आयोजन तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट कल बारिश होने के कारण भी थोड़ा सा रहा। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग आए और आज बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जैविक शपथ लिखी है, इसका क्या मीनिंग है सर? जैविक शपथ का मतलब है कि ये हमारी 40 साल पुरानी बात याद दिलवा रहे हैं वापस, और हमारा जो समाज है पूरा इस समय जहर खा रहा है, और वो जितने इस देश में स्कूल कॉलेज नहीं है उससे ज़्यादा आज हॉस्पिटल खुल रहे हैं और कई बीमारियों से लोग ग्रस्त हैं। तो आज जो भी यहाँ पर डेलीगेट्स आते हैं उनको हम यहाँ जैविक शपथ दिलवाते हैं, और जैविक शपथ के साथ साथ और शहर का जो नागरिक है, जो आज हम शहर में गाय नहीं पाल सकते हैं, ऐसे नागरिकों से निवेदन करते हैं कि वो एक फैमिली काऊ गोद लें, और फैमिली जो जैसे फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली वकील होता है, ऐसे ही फैमिली किसान होना चाहिए उसके जीवन में, और उस किसान से उसका सतत संपर्क बना रहे। और इस कार्यक्रम का जो आयोजन है, मुख्य कार्यक्रम का आयोजन है, शहर के लोगों को
जैविक किसानों से परिचय कराना, जैविक की बड़ी संख्या में अभी भी बसें भर भर के आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं, आम लोग भी आ रहे हैं, शहर के नागरिक भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली एक्चुअली कल लॉकडाउन का फैसला हो गया है संडे का, तो पब्लिक जो है, जो लोग हैं वो सोच रहे थे हम सैटरडे संडे विजिट करेंगे, तो अब चूंकि कल बंद रहेगा इसलिए आज सैटरडे को काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और कोविड 19 का पूरा गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है इसमें, और इसको मंडे तक एक्सटेंड कर दिया गया है, जो रविवार की जगह ये सोमवार को समापन होगा और ये मेला हमारा सोमवार शाम तक रहेगा, चूँकि एक पाँच दिवसीय था तो इसको पाँच दिवसीय हमें करना पड़ रहा है। 2021 में आप लोगों ने स्टॉल लगाया नर्मदा इको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, किस तरह के प्रोडक्ट्स हैं और किस तरह से जनता को फ़ायदा देते हैं ऑर्गेनिक रूप से? हमारे पास ऑर्गेनिक ग्रोसरी के प्रोडक्ट्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा ऑर्गेनिक ग्रोसरी के बनाने के लिए मिट्टी के बर्तन भी है, जो आजकल लोग स्टील या उसके एल्यूमिनियम के यूज़ कर रहे हैं, उससे 90% न्यूट्रिशन चले जाते हैं, तो वो ऑर्गेनिक ग्रोसरी को बनाने के लिए भी जो बर्तन है वो मिट्टी के, जिसमें खाना बनता है, कुकर है, हांडी है, कढ़ाई है, वो सब में खाना पकता है, उसके 90% वैल्यू वैसी की वैसी रहती है, तो उसके फ़ायदे बहुत है। इसके साथ हमारे पास मिट्टी का फ्रिज है और सारी नेचुरल कॉस्मेटिक रेंज भी है, जिसमें साबुन, शैम्पू, सोप, और वो भी बहुत अफोर्डिंग प्राइस में है, और ग्रोसरी की सारी किचन की पूरी आइटम्स हैं, सब पल्सेस, सीरियल्स, राइसेस, सब कुछ अवेलेबल है। हमारी जो नर्मदा इको ऑर्गेनिक ब्रांड से, इसलिए हमने नाम ही ऐसा रखा है, नर्मदा इको ऑर्गेनिक मीन्स इको फ्रेंडली एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, वो सारी रेंज है हमारे पास। सर, क्या कुकिंग में टाइम लगता है? अगर हम कुकिंग में टाइम, क्योंकि ये मिट्टी का है तो उसमें जो भी हम डालेंगे ऑयल वॉयल, तो उसमें 5-10 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगता है नॉर्मल बंदे से, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो 100% हमको मिल रही है, तो 5-10 मिनट ज़्यादा लगने में अच्छा ही है कि हमको सेहत के लिए वो अच्छा है। सर, ऑर्गेनिक फ्रिज जो आप लाएँ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे, क्या किस तरह का प्रोडक्ट? वो जो फ्रिज है वो बिना बिजली के चलता है, एक तो वो फ़ायदा है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं लग रहा है, और फ्रिज में वो पानी से ही चल रहा है, मीन्स ऊपर टैंक है जिसमें पानी फिल करेंगे हम, तो वो पानी से ही पूरा फ्रिज ठंडा होता है, वो नॉर्मल टेम्परेचर है आउटसाइड, उससे 15 से 20 डिग्री कम हो जाता है टेम्परेचर, और अंदर फल और सब्जियाँ 1 वीक तक अच्छी रहती है, जैसे कि हम नॉर्मल फ्रिज में सब गैस से, नॉर्मल फ्रिज में गैस रहता है, उसकी वजह से फल और सब्जियों की न्यूट्रिशन वैल्यू चली जाती है, इसमें सब पानी से ही ठंडा रहता है, तो 1 वीक तक सब्जी और फल ऐसे के ऐसे रहते हैं, और उसमें से हम ऊपर से ठंडा पानी भी पी सकते हैं जिसमें नल लगा हुआ है, तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ क्लीनिंग प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और हमको सेहत के लिए भी अच्छा है, और सब्जी और फल। मेले में क्या लागत में आप ये फ्रिज बेच रहे हैं? ऐसे हमारी MRP 10,000 रुपीज़ है, लेकिन हम मेले में उसको 7,500 में दे रहे हैं। 2021 इसमें आपने जो स्टॉल लगा रखा जी है, सजीवन, हाँ, क्या किस तरह के प्रोडक्ट्स के साथ सजीवन बाजार में? जी जी, हमारा दरअसल नेचुरल NGO जैसा वर्क है, NGO बेस हम वर्क करते हैं, पूरे इंडिया से हमारे साथ 12,000 प्लस फार्मर्स जुड़े हुए हैं, अलग अलग इंडिया के जो जो एरिया की स्पेशलिटी है, लकड़डंग हल्दी से लेके साउथ की चिली से लेके मध्य प्रदेश की दाल और गुजरात के धनिया जीरा, तो ये सारे राज्यों में से जो जो जी स्पेशल प्रोडक्ट्स होती है उनको हम लोग राजकोट में प्रोक्योर करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से पैकिंग करके अभी 18 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट का है, और ऑल ओवर इंडिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, और पूरा NGO बेस्ड हम वर्क करते हैं कि फार्मर वेलफेयर में फार्मर्स को ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की तरफ, एग्रीकल्चर की तरफ ले जाना, उसका सर्टिफिकेशन का, फिर उसमें FPO ICS क्लस्टर्स बनाना, और उनसे पूरा माल खरीदना और फिर ये ब्रांड बना के देना। सिर्फ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि जो लकड़डंग हल्दी है वो हम खा सकते हैं, बच्चों को पसंद नहीं आएगा तो उनके लिए हमने ये पाउडर बना, पापड़ बना के रखा है, पापड़ भी पसंद ना आए तो फिर उसमें हम ये खाखरा, भाखरी, ये सब कुछ बना के रखा है। वैसे ही हमने ये वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव हरीपत्तियों का, रोज़ के हरीपत्ती का ये ड्राई फ्रूट गुलकन बना के रखा है, USDA ऑर्गेनिक सर्टिफाइड गुलकन आपको बहुत ही कम मिलेगा। तो हम लोग मार्केट में जो गुलकन खाते हैं वो गुलाब की सूखी पत्तियों का होता है, ये हरीपत्तियों का होता है, फ्रेश लीव्स का होता है, तो एसिडिटिक में, गर्मी में राहत के लिए ये काम आता है, तो ऐसे जेगरी पाउडर है, ऐसे अलग अलग हमने 256 प्लस प्रोडक्ट बना के रखे हैं। सर, इंदौर में जो ये ऑर्गेनिक मेला लगा है, इसमें आपने स्टॉल लगाया, किस तरह का प्रतिसाद आपको यहाँ के जनता का देखने? जी, जनता का बहुत ही अच्छा प्रतिसाद है, आज सैटरडे है, अभी सुबह से ही यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, और ऑर्गेनिक की तरफ अभी पूरी पब्लिक अवेयरनेस भी हो गई है, और जो ये मनोज मिश्रा जी ने पूरा ये ऑर्गेनाइज किया है, तो फार्मर्स को ये पूरे जो ऑर्गेनिक में जो कंपनियाँ NGO काम करती है उनको ये एक प्लेटफॉर्म मिला है कि भाई वो अपनी
प्रोडक्ट मार्केट में रखे, सब लोगों को अवेयरनेस करे, तो ये अच्छा एक मनोज मिश्रा जी का प्रकल्प है। जी मेरा, मैं माधव जोशी गुजरात राजकोट से हूँ, हमारा राजकोट बेस्ड कंपनी है और मैं पर्सन रिलेशन मैनेजमेंट मेरा वहाँ पे डेसिग्नेशन है।